बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजेशन की दो मेन टाइप्स जो हैं, अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड द रोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन ऑपरेशन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा कि क्यों एक ऑपरेशन मैनेजर की या प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद दो मेन कॉन्सेप्ट जो हमने देखे, जहाँ से इसको शुरू किया हमने, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग का, तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इसका आइडिया तो है ही, लेकिन प्रॉपरली हम अपना पहला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि क्लियर होनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। तो हम चलें उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने जब इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पुराना नाम इसका ऑपरेशंस मैनेज प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, जो कि ऑलमोस्ट 1970s तक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से ही रहा। लेकिन 1970s और उसके बाद जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रो करना शुरू किया, हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो फिर इसका नाम प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट रख दिया गया, यानी फिर ऑपरेशंस वाला फीचर इसमें ऐड कर दिया गया, विच डील्स विद द सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहीं पे इसी हवाले से आज जो है थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वैसे अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स इफ़ वी वांट टू डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग देन वी कैन से डैट मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स फॉर सेल। द बेसिक पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सेल। जब हम किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उस रॉ मटीरियल की शक्ल बदल कर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और पर्पज़ क्या होता है, सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना। और इंटरमीडिएट प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन और फिनिशिंग ऑफ सेमी मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा जी, ये क्या है, यहाँ तक जो है बात ये तो हमें क्लियर होगी कि मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स फॉर सेल। और इंटरमीडिएट प्रोसेस, अब इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो के किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फुली ट्रांसफॉर्म नहीं करती फिनिश गुड्स में, बल्कि सेमी फिनिश्ड हालत में, सेमी फिनिश्ड कंडीशन में वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती हैं। तो वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको जब सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है जो कि सेमी मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हम होंडा, एटलस होंडा जो कि बाइक बनाने वाली एक कंपनी है, हम उसको कुछ पार्ट्स बनाकर दे रहे हैं। अब हम जो पार्ट्स बनाकर दे रहे हैं वो हमारे पार्ट्स उस फिनिश प्रोडक्ट, उस फाइनल मेन प्रोडक्ट का हिस्सा है। हम जो पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पार्ट को सेपरेटली हम मार्केट में कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, तो हम सेमी मैन्युफैक्चरर होंगे।
हम जब वो पार्ट बनाकर उस मेन कंपनी को देंगे, वो पार्ट अपन उस पूरी बाइक में या उस गाड़ी में, उस मेन प्रोडक्ट में जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर फिट होगा, फिर वो मेन प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होगी, तो डैट वुड बी फिनिश प्रोडक्ट, और वो फिर मार्केट में जाएगी सेल होने के लिए। ठीक है, तो ये एक दो कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग में। पहले तो सीधी सीधी सी डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग की, कि जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज मैन्युफैक्चरिंग। बट समटाइम्स वी डील विद द सेमी मैन्युफैक्चरिंग। सेमी मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना जो कि फिलहाल फुली और फाइनली फिनिश नहीं होती, उनको हम फिर कहीं और भेज देते हैं फिनिशिंग के लिए, फाइनल शेप में लाने के लिए, तो देन वी विल बी नोन एज सेमी मैन्युफैक्चरर्स। जी, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए सर्विस क्या है। सर्विसेज आर डीड्स, प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस। सर्विसेज क्या है? कुछ एग्रीमेंट है या प्रोसेसेस हैं या परफॉर्मेंस है जिसको हम सर्विस कहते हैं। और अ सर्विस इज ए टाइम पेरिशेबल, यानी सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो कि एट द स्पॉट जब आप प्रोवाइड करते हो तो डेड सीट वो ख़त्म हो जाती है। इनटेंजिबल, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस परफॉर्म्ड फॉर ए कस्टमर। अब इस सर्विस को आप डीड कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, परफॉर्मेंस कह लीजिए, इट इज़ ए टाइम पेरिशेबल, इंटेंजिबल एक्सपीरियंस। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट इट इज़ एन एक्सपीरियंस, और इट इज़ ए प्रोसेस, और इट इज़ ए डीड, और इट इज़ ए परफॉर्मेंस विच इज़ कैरिड फॉर अ कस्टमर। मेन एंटिटी इसमें क्या है? कस्टमर, कि कस्टमर के लिए ये किया जाता है। आप चाहे इसको डीड कह लें, कोई एग्रीमेंट कह लें, या परफॉर्मेंस कह लें। अब फॉर एग्जाम्पल, फूड पांडा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की। रिसेंटली भी जब पहले लॉकडाउन हुआ तो उसमें हमने देखा कि जो फूड पांडा टाइप की सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया, और उन वो जो होम डिलीवरी हमें दे रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस टाइम पेरिशेबल है, यानी उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर वो सर्विस हमें मिलती है, और उसके बाद वो सर्विस ख़त्म हो जाती है। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जैसा कि आप कह लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं जो टेंजिबल होती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, हम उसको काफ़ी अरसे तक यूज़ करते हैं, बट सर्विस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और ये किस लिए की जाती है? कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर की ईज़ के लिए, कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। जी, ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के, जिसको हमने वैसे भी पढ़ा पिछले लेक्चर में भी, आप लोगों को भी इससे जो है थोड़ी बहुत नाउ हाउ है। अब हमने इनको प्रॉपरली डिफाइन करके देख लिया कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अब देखिए कि सर्विस फर्म्स जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की तो हमने देख ली कि एन ऑर्गेनाइजेशन डैट प्रोड्यूसेस टेंजिबल गुड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन डैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, सर्विस फर्म्स क्या हैं? सर्विस एंटरप्राइजेज आर ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज मीन एनी बिजनेस एंटिटी, एनी बिजनेस फर्म आर ऑर्गेनाइजेशंस डैट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सपोर्ट अदर फर्म्स इन मीटिंग देयर गोल्स एंड एड वैल्यू टू आवर पर्सनल लाइव्स। अब देखें इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे लास्ट में जो वर्ड यूज़ हुआ है कि एंड एड वैल्यू टू आवर पर्सनल लाइव्स। अभी हमने जब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन की बात की, तो मैंने आपको बताया और लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि वैल्यू एडिशन क्या है। व्हेन यू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट, तो उस रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के दरमियान जो फासला तय किया उस रॉ मटेरियल ने, उस रॉ मटेरियल ने उस फिनिश प्रोडक्ट तक
तक पहुंचने का जो फासला तय किया, डैट इज़ एक्चुअली वैल्यू एडिशन। वो वैल्यू एडिशन हमने किस में की? उस रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन की ताकि वो एक फिनिश्ड और यूज़फुल प्रोडक्ट बन सके हमारे लिए। लेकिन जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पूरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ही एक्चुअली हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती हैं। आप जितनी भी सर्विसेज आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अगर ये सर्विसेज ना हो तो हमारी लाइफ में बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो जाए। दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यूज़ टू आवर लाइव्स। दीज ऑर्गेनाइजेशन ऐड वैल्यूज़ टू आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ सर्विसेज देख लीजिए, हॉस्पिटल्स वगैरह ना हो तो क्या हो? अब ये हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज क्या करते हैं? हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज देख लीजिए, हमारी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हुई इन मोबाइल फ़ोन की वजह से कि हम एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब जो है मुहर्रम के दिनों में या कुछ ऐसी कभी कोई हो तो उस वक्त जब मोबाइल सर्विस ऑफ होती है तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी क्या अहमियत है। हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम दुनिया से बिल्कुल कट के रह गए। तो इसी तरह कोई भी, अगर कोई एम्बुलेंस सर्विस है तो वो देख लीजिए कि उन्होंने, एम्बुलेंस सर्विस हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखी हैं, बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, लॉ फर्म्स हैं, कुरियर सर्विसेज हैं। कोरियर सर्विसेज ना हो तो ये जो आजकल हम, आजकल तो यार काफ़ी ज़्यादा हो गया ये काम, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हम करते हैं दराज से या दूसरे जो ई स्टोर्स बने हुए हैं, तो उन स्टोर से हम तक वो चीज़ें कौन पहुंचाता है? ये कोरियर सर्विसेज वाले ही हैं जो कि हमारी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, हमें वो चीज़ वहाँ से हमारे तक पहुँचा के। तो ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस एंटरप्राइजेज हैं, ये फैसिलिटेट भी करती हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट भी कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल, फूड पांडा की ही एग्जांपल ले लीजिए। फूड पांडा एक सर्विस है जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कस्टमर तक उनकी प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। बनाने वाला, फॉर एग्जांपल कोई फास्ट फूड है, हमने ऑर्डर किया तो बनाने वाला कोई और है, कोई और शॉप है, मैकडोनल्ड्स है या KFC है, लेकिन हमने फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर किया तो वो मैकडोनल्ड की तैयार की हुई प्रोडक्ट को फूड पांडा अपनी सर्विस के थ्रू हमारे तक पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब वो हमारी लाइफ में तो सर्विस ऐड कर रहा है, साथ ही साथ उस मैन्युफैक्चरर को, उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उनको आसानी से सेफ एंड साउंड कस्टमर तक पहुंचा सके। और डिस्ट्रीब्यूशन ये भी उसी में ही आ जाता है। तो ये है जी सर्विस फर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेरा ख्याल है आप, आपको क्लियर होगी होगी। अभी तक हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन देखी, सर्विस की डेफिनेशन देखी। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कि मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सर्विस क्या है? सर्विस इज ए इंटेंजिबल, टाइम पेरिशेबल डीड, एक्ट, परफॉर्मेंस, एनीथिंग विच एड वैल्यूज टू आवर लाइव्स और विच इज कैरिड टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू कस्टमर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस फर्म्स क्या हैं? दीज आर एंटरप्राइजेस, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस विच फैसिलिटेट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एड वैल्यूज टू आवर लाइफ, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने देख ली। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया। अब आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे अपने सब्जेक्ट में तो वहाँ पे ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे जो कि प्योरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी अप्लाई हो रही होंगी, कुछ ऐसी पढ़ेंगे जो कि प्योरली एंड सोनली सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई हो रही होंगी, लेकिन मोस्टली हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस दोनों से रिलेटेड हैं। मोस्टली हमारे टॉपिक उसी से रिलेटेड होंगे। तो देखिए अब ज़रा जाते जाते आज के लेक्चर में जाते जाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
कि एक ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होती है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सम टास्क डैट वी हैव टू परफॉर्म एज एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ फोरकास्ट। फोरकास्ट जिसमें हमने फॉर एग्जांपल बजटिंग करनी होती है, या कोई भी चीज़ जो एक्चुअली हमारा जो टास्क है बीइंग एन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे तमाम डिपार्टमेंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक होता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के बाकी तमाम डिपार्टमेंट से बहुत इम्पोर्टेंट लिंक होता है, लेकिन दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके साथ हमारा लिंक बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और वो लिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशल है। वो दो डिपार्टमेंट हैं मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी, सेकंड कैपेसिटी है जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है कि कैपेसिटी जो है बीइंग एन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, अच्छा सॉरी, डिपार्टमेंट का जिक्र हो रहा था कि हमारा जो है मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है ऑपरेशंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्चुअली वो डिपार्टमेंट होता है जिसने कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही वो रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की होती हैं उसको इनलिस्ट करता है और ऑपरेशंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक प्रोडक्ट चल रही है मार्केट में, तो उसका मार्केट सर्वे मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर हमें ऑपरेशंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कस्टमर ये चेंजेस मांग रहा है। तो फिर बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर हम ये फैसला करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, या इसको डिसकंटिन्यू करके एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए विद एडिशनल न्यू फीचर्स। उसके लिए हमें डेफिनेटली कैपिटल चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा, तो हम किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल देगा तो हम वो सारा प्रोसेस शुरू कर सकेंगे जो हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोरकास्ट और इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। उसके अलावा कैपेसिटी, ये भी काम ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर का है, उसने प्रॉपर कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट की कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम, हम इससे कितनी कैपेसिटी ले सकते हैं, कितनी कैपेसिटी ले रहे हैं, और फर्दर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह शेड्यूलिंग, ये भी एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। शेड्यूलिंग में भी हमने देखना होता है, हमने जो मशीन्स हैं, जो हमारी लेबर है, उसको प्रॉपर शेड्यूल करना होता है कि कौन सी लेबर, कौन सी मशीनरी कितने घंटे काम करेगी और कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी, ये प्रॉपर शेड्यूलिंग उसकी करनी होती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एज यू नो इज़ स्टॉक इन हैंड, उस इन्वेंट्री को हमने प्रॉपरली मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रही है तो हमें इन्वेंट्री का भी पूरा पता होना चाहिए, उसके भी सारा हिसाब किताब होना चाहिए कि इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अब मौजूद है, कितनी देर का स्टॉक मौजूद है, कब उसको ऑर्डर प्लेस करना है। तो इसका इन्वेंट्री से भी हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वालिटी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर ना सिर्फ एफिशिएंट बनाना है बल्कि इफेक्टिव भी बनाना है, एक सर्टेन क्वालिटी को अचीव करते हुए अपने कंपेटिटर्स को भी कम्पीट करना है, तो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कि सेपरेटली ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ एचआर ऑपरेशंस ऐसे होते हैं उसके रिलेटेड जो कि हमें परफॉर्म
करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें जॉब डिज़ाइन करनी होती है हमें, और फिर उस जॉब की स्पेसिफिकेशन वगैरह हमें मेंशन करनी होती है। फिर बाज़ बात उसमें जो है सर्विस डिज़ाइन करनी पड़ जाती है, या कुछ सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सेट करनी पड़ जाती हैं जो कि एचआर मैनेजर के साथ मिलके उनकी कलेबोरेशन से किया जाता है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का काम ही डिसीजन लेना है। अगर जब हम बात करते हैं कि एक ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली वी विल हैव टू टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस। और लोकेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने प्लांट की लोकेशन सेट करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर, कि इस जो प्लांट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो कहाँ पे हो, उसकी जो है ना जियोग्राफिक लोकेशन क्या हो, फिर उसकी जो मशीनरी है उसका लेआउट कैसा हो, और कौन सी मशीन पहले हो, कौन सा डिपार्टमेंट पहले हो, कौन सा उसके बाद हो, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड करनी होती हैं। और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्विजिशन, प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाता है। जो मेन दो चीज़ें हैं, फैसिलिटी लोकेशन और फैसिलिटी लेआउट जो है। तो ये कुछ लिस्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो कि ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म करता है। और मोस्टली यही ये लिस्ट जो है, यही हमारे जो है मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर्स हैं, जिनको हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी चीज़ें और टर्म्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इंशाल्लाह अपना पहला टॉपिक जो है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, और जो है वो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि दो बुक्स सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में, और सारे नोट्स जो मेरे हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे सेव कर लीजिए। जब भी आपको हो आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, रेफरेंस के लिए उन दो बुक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।